हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल रेंडर फार्मेसी। आज हम बात करेंगे जीपेट क्या है और उसे हम कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ आपके लिए कंटेंट बनाया जो जीपेट को क्रैक करने में हेल्प करेगी। उससे पहले मैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आइए हम कंटेंट के बारे में बात करते हैं। पहला, व्हाट इज जीपेट, जीपेट क्या है। दूसरा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया है जिसे कि हम एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए। तीसरा, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर की किस तरह पैटर्न रहती है। चौथा, सब्जेक्ट, कौन कौन सी सब्जेक्ट रहती है एग्ज़ाम में। पांचवा की बात करें, एप्लीकेशन फ़ी, कितना फ़ी लगती है हम लोग को जीपेट एग्ज़ाम के लिए। छठा की बात करें, रिजर्वेशन, कौन सा कैटेगरी की कितनी सीट से रिजर्व करती है उसके बात करते हैं करेंगे। सातवां, कट ऑफ, हर साल की कट ऑफ कितनी होती है उसकी बात करेंगे हम आगे। आठवां, बेनिफिट ऑफ क्रैकिंग जीपेट एग्ज़ाम, अगर हम जीपेट एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं तो क्या क्या हमें बेनिफिट मिलती है। नाइन, टिप्स फॉर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, क्या क्या टिप्स आगे है उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज जीपेट, जीपेट एक ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट है जो कंडक्ट कराती है हमारी नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। पहला, बी फार्मा और बी फार्मा फोर्थ ईयर, अगर कोई स्टूडेंट बी फार्मा कम्प्लीटेड है या बी फार्मा के फोर्थ ईयर में तो एलिजिबल है। दूसरा, एम फार्मा, अगर कोई स्टूडेंट एम फार्मा किया हुआ तो वो भी एलिजिबल है, और एनी फोर्थ ईयर का जो बैचलर कोर्स किया हुआ वो कर सकते हैं, एक्सेप्ट द बी टेक, जो बी टेक स्टूडेंट वो नहीं कर सकते इसे। अब हम क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में बात करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल क्वेश्चन 125 रहते हैं, 3 आवर का टाइम रहता है, इसमें 4 मार्क्स पर, अगर आपका एक आंसर करेक्ट है तो 4 मार्क्स मिलेगी आपको, अगर 1 मार्क्स रॉन्ग है तो 1 नेगेटिव मार्किंग होती है। मैक्सिमम मार्क्स 500 की रहती है। इसका मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या, ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है। रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होती है जीपेट एग्ज़ाम का, 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाती है। एग्ज़ाम डेट कब होती है, इसका लास्ट जनवरी के लास्ट वीक में होती है। रिजल्ट कब डिक्लेयर होती है, 1st वीक ऑफ फरवरी की मंथ में ही डिक्लेयर हो जाती है। अब हम सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, इसमें मेजर और माइनर होता है। सबसे पहले मेजर के सब्जेक्ट के बारे में बात करें, पहला फार्माकोलॉजी, दूसरा फार्मास्यूटिक्स, तीसरा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, चौथा फार्माकोग्नोसिस, पाँचवा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, 6 फार्मास्यूटिकल ज्यूरिडिस्पेंस, 7वां बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोनेटिक्स, 8वां बायोकेमिस्ट्री। अब माइनर सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, पहला फिजिकल फार्मेसी, दूसरा माइक्रोबायोलॉजी, तीसरा बायोटेक्नोलॉजी, चौथा पैथोफिजियोलॉजी, 5वां ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, 6था फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, 7वां फिजिकल केमिस्ट्री, 8वां हॉस्पिटल फार्मेसी। अब हम एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करेंगे। अगर कोई जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है तो बॉयज़ के लिए 1600 और गर्ल्स के लिए 800। अगर कोई एसटी एससी या पीडब्ल्यूडी और या ट्रांसजेंडर हो तो उस बॉयज़ के लिए 800 लगती है और गर्ल्स के 800 लगती है। अब हम रिजर्वेशन के बारे में बात करें कि कितनी सीट रिजर्व रहती है किस कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्व रहती है, एससी के लिए 15% रिजर्व रहती है, एसटी के लिए 7.5% रिजर्व रहती है, ओबीसी के लिए 27% रिजर्व रहती है, पीडब्ल्यूडी के लिए 5% रिजर्व रहती है। अब हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, पिछले 5 ईयर में कितनी कट ऑफ गई है। 2016 में 115 मार्क्स, 2017 में 130 मार्क्स, 2018 में 137 मार्क्स, 2019 में 141 मार्क्स, 2020 में 163 मार्क्स। इसमें से सबसे हाईएस्ट जो मार्क्स गई है 250 से 300 मार्क्स गई, 8 of 500 से। अब हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ क्रैकिंग जीपेट एग्ज़ाम। अगर हम जीपेट एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं क्या क्या हमें बेनिफिट मिलती है। पहला कि हम एलिजिबल हो जाते हैं, 12 से 13 हज़ार पर मंथ का स्टिपेंड मिलती है। दूसरा है कि हम एलिजिबल हो जाते हैं प्रीमियम इंडिया के इंस्टीट्यूट में, जैसे कि नाइपर, BITS पिलानी, IIT BHU एक्सेट्रा। तीसरा है कि हम क्वालिफाई हो जाते हैं, अगर हम किसी जॉब के लिए इंटरव्यू जाते हैं तो उसमें हमें कुछ बेनिफिट मिलती है। अब हम बात करेंगे टिप्स फॉर क्वालिफाई जीपेट, क्या क्या टिप्स जो फॉलो करके हम जीपेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। पहला कि रीड जीपेट सिलेबस, हम जीपेट की जो भी सिलेबस उसे अच्छे से रीड आउट करेंगे। दूसरा पॉइंट है रीड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर जो भी है प्रीवियस ईयर के उसे अच्छे से रीड आउट करेंगे, देखेंगे कितनी बार क्वेश्चन कौन से ईयर में आया है उस हिसाब से हम स्टडी करेंगे। और मेक द टाइम शेड्यूल फॉर स्टडी, हम एक टाइम शेड्यूल जारी करेंगे अपना खुद का कि कैसे हमें कब पढ़नी चाहिए, कब खेलना चाहिए, उसके हिसाब से हम अपना जीपेट को क्रैक कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।